जैसे कि आप सुन सकते हो मेरा कॉल लग गया है। अगर मुझे इसको डिस्कनेक्ट करना है तो मुझे बीच का बटन दो बार दबाना है। हे सीरी, कैन यू प्ले म्यूजिक ऑन स्पॉटिफाई? नाउ प्लेइंग माइन ऑन स्पॉटिफाई। सबसे पहले हम देख लेते कि ये जो C30 डिवाइस है वो कैसा दिखता है। यार थैंक यू फॉर द नियर गिफ्ट। ब्लू आर्मर के बटन से वो तीन तरीके से वर्क करते हैं, सिंगल प्रेस, डबल प्रेस और लॉन्ग प्रेस। जो यहाँ पे जो लाइट दिख रही है वो लाइट आपको LED लाइट है, जिसमें आपको जो सबसे पहला है आपको जब डिवाइस ऑन एंड ऑफ करना होता है, और वापिस अगर उसको मैं दबाऊंगा राइट ग्रिड पब्लिक मोड ऑफ कर देगा। राइट ग्रिड ऑफ। आपका कोई फ्रेंड है जिसके पास सेना और कार्डो है तो उसको कनेक्ट कैसे करेंगे? तो उसको हम राइट लिंक के थ्रू कनेक्ट करेंगे। पांच बटन मिल जाते हैं, जिसमें जो बीच वाला बटन है वो सिलेक्ट बटन है। तो ये जो ब्लू आर्मर C30 है, इसके पांच जो बेस्ट फीचर्स है वो Hey guys, what's up? This is Professor Shetty and welcome back to my channel once again. So, जो आज का वीडियो है वो वीडियो रिलेटेड टू ब्लू आर्मर C30 डिवाइस के बारे में। बट उसके पहले एक आपसे बात करनी है कि थैंक यू सो मच 1K सब्सक्राइबर पहुंचाने के लिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यार, थैंक यू फॉर द नियर गिफ्ट। ब्लू आर्मर का इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला था उससे एक मुझे कमेंट आया था कि भैया इसको यूज कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो उसके रिलेटेड ही है कि हाउ टू यूज C30 ब्लू आर्मर, इसके जो बटन से वो कैसे फंक्शंस करते हैं। ब्लू आर्मर के बटन से वो तीन तरीके से वर्क करते हैं, सिंगल प्रेस, डबल प्रेस और लॉन्ग प्रेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती रहेगी तो लाइक कर लेना, ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो डिवाइस है C30, ये डिवाइस दो राइडर को कनेक्ट रखता है वाइल राइडिंग के टाइम पे, और ये डिवाइस में आप कॉलिंग भी कर सकते हो, म्यूजिक भी सुन सकते हो वाइल राइडिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो C30 डिवाइस है वो कैसा दिखता है। ये सबसे पहले आपको एंटीना मिल जाता है, दूसरा आपको ये पांच बटन मिल जाते हैं, जिसमें जो बीच वाला बटन है वो सिलेक्ट बटन है, ऊपर और जो नीचे है वो अपसेट बटन है, डाउनसेट बटन है, जो साइड में बटन है वो प्लस एंड माइनस बटन है। जो यहाँ पे जो लाइट दिख रही है वो लाइट आपको LED लाइट है, जिसमें आपको रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो लाइट जलती है। नीचे साइड आप देखोगे तो टाइप सी चार्जिंग केबल है, और जो साइड में जो आपको स्लॉट है वो हेडसेट का केबल स्लॉट है। पीछे जो है वो क्लैंप मिल जाता है माउंट करने के लिए हेलमेट पे। ये पांच बटन में सारे ही फंक्शंस C30 के अवेलेबल है। ये पांचों बटन तीन तरीके से चलते हैं। फर्स्ट आ जाता है सिंगल प्रेस, सेकंड आ जाता है डबल प्रेस, थर्ड आ जाता है इसका लॉन्ग प्रेस। जो सबसे पहला है आपको जब डिवाइस ऑन एंड ऑफ करना होता है, तो ये जो बीच का बटन है जो सिलेक्ट बटन हम बोलते हैं, उसको अगर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो डिवाइस ऑन हो जाएगा, और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो डिवाइस ऑफ हो जाएगा। तो पहले हम इसको लॉन्ग प्रेस करके डिवाइस को ऑन करते हैं। पावरिंग अप, बैटरी 40%। तो जब भी आप ब्लू आर्मर C30 को ऑन करोगे तो तभी आपको वो पावरिंग अप और दोनों स्पीकर में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसा आवाज आता है, और उसके बाद वो आपको बैटरी परसेंटेज बताती है कि कितना इसमें चार्जिंग है। जब आप ऑफ करते हो तो भी वो सेम बताते हैं, हम सुन लेते हैं एक बार। जब हम डिवाइस को ऑन करते हैं तो ये और एक चीज होता है, मोबाइल का जो ब्लूटूथ ऑन रहता है तो ये पैर हो जाता है। तो हम पहले अभी वापस डिवाइस को ऑन करते हैं और ये अपने आप पैर हो जाएगा, इसके ऐप से और मोबाइल से कनेक्ट भी हो जाएगा। पावरिंग अप, बैटरी 40%, फोन कनेक्टेड, ओपन ऐप फॉर बेस्ट राइडिंग एक्सपीरियंस, ऐप कनेक्टेड। सबसे पहले और एक ऑप्शन इसका जानते हैं, वो है अगर एंड्रॉइड कोई डिवाइस यूज कर रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, और अगर आईफोन यूज कर रहा है, तो उसको हम सीरी को और गूगल असिस्टेंट को कैसे हम वॉइस कमांड देते हैं। तो जो इसका बटन है, जो बीच का बटन सिलेक्ट बटन है, डबल प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट सीरी और गूगल असिस्टेंट को ऑन करेगा। तो हम दबाते हैं। हे सीरी, कैन यू प्ले म्यूजिक ऑन स्पॉटिफाई? नाउ प्लेइंग माइन ऑन स्पॉटिफाई। देखा आपने कैसा इसका वॉइस कमांड यूज होता है। इससे मैं कॉल्स भी लगा सकता हूँ सीरी को बोल के। तो अगर मैं वापस प्ले करना चाहता हूँ तो मैं सिंगल प्रेस करूंगा तो प्ले हो जाएगा, वापस सिंगल प्रेस करूंगा तो ये पॉज हो जाएगा। जैसे कि कॉल सिलेक्ट करने के लिए भी यही बीच वाले बटन से हमको सिंगल प्रेस करना पड़ता है, और कॉल को अगर हमको एक्सेप्ट करना है तो भी हमको बीच वाला बटन प्रेस करना है, और कॉल को रिजेक्ट करना है तो डबल प्रेस करना है। इसका जो ऐप है, इसके ऐप में एक आपको फोन डायलर मिलता है जिसमें आप पांच कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो सबसे पहले हम एक डायलर में कैसे एंटर करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने अगर डबल प्रेस किया नीचे वाले बटन को तो ये स्पीड डायलर पे ये एंटर हो गया। स्पीड डायलर पे जाने के बाद इसको हमको अलग अलग लिस्ट पे लेके जाना है, जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कॉन्टेक्ट लिस्ट पे लेके जाना है। तो इसको हमको प्लस बटन दबाना है तो ये कॉन्टेक्ट 1, कॉन्टेक्ट 2 बोलेगी। तो कॉन्टेक्ट 1 को अगर मुझे कॉल लगाना है तो मुझे बीच बटन दबा के सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप सुन सकते हो मेरा कॉल लग गया है। अगर मुझे इसको डिस्कनेक्ट करना है तो मुझे बीच का बटन दो बार दबाना है। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया।
तो इसका ये जो नीचे का बटन है ये इस तरीके से वर्क करता है। तो अगर दूसरे राइडर के पास भी C30 है तो अगर C30 को C30 से कनेक्ट करना है तो जो इसका ऑफसाइड बटन है वो ऑफसाइड बटन को अगर मैं प्रेस करके रखूंगा तो डायरेक्ट मेरा राइट ग्रिड पब्लिक मोड ऑन हो जाएगा। जैसे कि इसने बताया राइट ग्रिड पब्लिक मोड ऑन हो चुका है। अगर सामने वाला डिवाइस भी राइट ग्रिड पब्लिक मोड ऑन पे रहेगा तो ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। और वापस अगर उसको मैं दबाऊंगा राइट ग्रिड पब्लिक मोड ऑफ कर देगा। राइट ग्रिड ऑफ। अगर आप नीचे के बटन को दबा के रखोगे तो ये राइट लिंक पे चला जाएगा। राइट लिंक पे जाने का मतलब क्या है कि समझो अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसके पास सेना और कार्डो है तो उसको कनेक्ट कैसे करेंगे, तो उसको हम राइट लिंक के थ्रू कनेक्ट करेंगे। और साइड वाला बटन तो मैंने आपको बता ही दिया कि वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन के लिए यूज होता है। ये जो आप बीच वाला बटन समझ गए, बीच वाले बटन से हमेशा सिलेक्ट होता है, कॉल एंड होता है, म्यूजिक प्ले एंड पॉज होता है और कॉल एक्सेप्ट होता है, ठीक है। अब जो ऊपर के और जो साइड्स के बटन है वो किस काम में आते हैं, जो साइड्स के बटन है जो प्लस एंड माइनस में काम में आते हैं। अगर आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है, अगर आप प्लस बटन दबा रहे हो तो म्यूजिक इंक्रीज होगा और म्यूजिक लो होगा। ये जो ब्लू आर में C30 है इसके पांच जो बेस्ट फीचर्स है वो 16 आवर प्लस बैटरी लाइफ है इसका। सेकेंड, ये यूनिवर्सल डिवाइस है, मतलब किसके साथ भी कनेक्ट हो जाता है। थर्ड, ये अप टू 20 राइडर्स के साथ कनेक्ट हो सकता है। फोर्थ, ये IPS67 है, वाटर प्रूफ और ऑल वेदर प्रूफ है। फिफ्थ, इसमें JBL की सिग्नेचर साउंड क्वालिटी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करती रहेगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो यहीं तक रखते, लिव एट प्रेजेंट, लिव योर ड्रीम। दिस इज प्रसाद शेट्टी, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, अलविदा, मिलते अगले ब्लॉग पर, टेक केयर। सुनना आपने कई बार रिकॉर्ड कैसा हो रहा है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज प्रसाद शेट्टी एंड वेलकम। नहीं यार, वापस लगाइए।